तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो वीवो प्रो कबड्डी लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का 45वां मैच जो कि खेला जाएगा बेंगलुरु बुल्स वर्सेस दबंग दिल्ली केसी के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो भाई वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको यहाँ से स्किप नहीं करना है, अदरवाइज भाई इसमें आपका ही लॉस रहने वाला है। लेकिन अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो ये मेरी गारंटी आप इजीली काफी शानदार विनिंग यहां से करके जाने वाले हो। कुछ ऐसे प्लेयर्स है भाई आज के मैच में जो आपको एक तरफा सिंगल हैंडेडली विन करवाएंगे और कुछ ऐसे प्लेयर्स है जो भाई आपको आज ड्रॉप करके चलने, जिनका सिलेक्शन काफी ज्यादा हाई रहने वाला है। तो सारी चीजें आपके लिए इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। और हाँ यार, आप है ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो और यार सच में बुरा लगता है। अगर मैं आपके लिए एक वीडियो के लिए 2 से 3 घंटे मेहनत कर रहा हूं तो यार आपका भी फर्ज बनता है, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। और आपका एक एक लाइक है ना इतना ही मतलब मोटिवेट करते हैं कि मजा आता है यार। जैसे आज 3 मैच है तो तीनों मैचेस की वीडियो बनाना, तो भाई तीनों मैचेस की वीडियो बनाने में कम से कम 6 से 7 घंटे जाएंगे। इसके अलावा जो टेलीग्राम पर टीम दूंगा वो टाइम अलग है। फिर भी यार आप मतलब एक लाइक नहीं करते हो, आप सोच के देखो कितना बुरा लगता है। तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा क्योंकि आपका एक एक लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर मैच के बारे में, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो को भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं एनालिसिस वाला पार्ट। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं मैच की टाइमिंग की, तो शाम को 7:30 पर मैच खेला जाएगा। अब अगर भाई यहाँ पर बात करें दोनों टीम्स की रीसेंट फॉर्म, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपको पता लगता है कि आज के मैच में पलड़ा किसका भारी रह सकता है। वैसे भाई स्पोर्ट्स है, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं, बट फिर भी भाई हमें किसी ना किसी टीम को फेवर करके या कोई ना कोई प्रिडिक्शन करके तो निकलना ही होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, किसी अगर आप डबल माइंडेड रहोगे ना तो आप 101% लॉस में रहोगे, लेकिन अगर आप क्लियर किसी एक फेवर के साथ जाओगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ आप 70 से 80% मैचेज में ईजिली विन करते नजर आओगे। अब चलिए भाई बात करते हैं दोनों टीम्स की रिसेंट फॉर्म की। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने भाई 7 मैच खेले जिसमें 4 मैच विन किए, 2 मैच आ रहे हैं, उसके अलावा 1 मैच टाई खेल कर आए हैं। दिल्ली की बात करें तो टेबल टॉपर है भाई, स्टार्टिंग के 5 के 5 मैच जीतने के बाद लास्ट के 2 मैच में भाई हार का सामना करना पड़ा है, जो कि ठीक ठाक है, मतलब इतनी बुरी भी नहीं है। बट यहाँ पर एक तरफा मैच इन्होंने नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। सिंगल हैंडेडली मतलब ये नहीं है कि कोई भी मतलब इनको जैसे 10-15 पॉइंट्स के मार्जिन से इन्होंने कोई मैच आ रहा हो, ऐसा भाई कोई भी मैच इनका नहीं गया है, बिल्कुल क्लोज फाइट में ही आ रहे हैं। तो भाई वापसी कर सकते हैं ठीक है, लेकिन लगातार 2 हार के बाद आ रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ इस मैच में कौन जीत सकता है, तो यहाँ पर आप 70 से 80% चांस देकर चलना कि यहाँ पर दिल्ली जीतेगी। सिर्फ एक कैंडिडेट जो दिल्ली को जीतने से रोक सकता है, सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, वो है भाई यहाँ से इनका एक रेडर। वो कौन है वो आपको आगे पता लगेगा। बेंगलुरु बुल्स का एक रेडर है जो भाई यहाँ पर कुछ भी करने में सक्षम है और ये सीजन उसके लिए बहुत शानदार जा रहा है ठीक है। तो अभी के लिए मैं 80% चांस देके चलूंगा दबंग दिल्ली को, बाकी 20% देके चलूंगा बेंगलुरु बुल्स को। और अगर भाई वो रेडर चला तो भाई यहाँ पर 80% चांस बेंगलुरु बुल के भी हो जाएंगे विन करने के ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए भाई, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी ना, फाइनल टीम, फाइनल अपडेट या स्मॉल लीग के साथ साथ 2 ग्रैंड लीग की टीम, वो सारी चीज़ें भाई मैं डिस्कस करूंगा आफ्टर लाइनअप्स आपको टेलीग्राम पर ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और भाई अगर आप लोग इस वीडियो पर 200 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देते हो, कोई भाई आपके लिए मतलब ये नहीं है कि जरूरी जरूरी है, बट मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर 200 लाइक का टारगेट आप कंप्लीट करते हो तो ये मेरी गारंटी है मैं आपको 20 ग्रैंड लीग की टीम भी देने वाला हूं, वो भी एक सरप्राइज के साथ। तो सारी चीजें आपको बताऊंगा, 20 ग्रैंड लीग की टीम, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब अगर भाई यहां पर बात करें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और इसी वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में लिंक है, कहीं से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। दबंग दिल्ली की स्टार्टिंग 7 की बात करेंगे तो यहां पर भाई देख सकते हो नवीन कुमार लेफ्ट राइट दोनों साइड से रेडिंग करेंगे, सुपर 10 के मास्टर है और लगातार अच्छे पॉइंट्स आपको लेते नजर आते हैं। 101% आपको इन्हें अपनी टीम में रखना ही रखना है, जरूर से इन्हें सीवीसी भी ट्राई कीजिएगा, मेरी टीम के कैप्टन रहने वाले हैं। मंजीत की बात करें तो लेफ्ट साइड से रेड करेगा, एक्साइटिंग न्यू टैलेंट है, अभी स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस में भाई बहुत तगड़ा सपोर्ट दिखाया था इन्होंने नवीन का, और साथ साथ एक दो
टैकल भी कर रहे थे, लेकिन रिसेंट फॉर्म की बात करें तो थोड़ी सी डाउन आई है, तो आप देखते कैसा परफॉर्मेंस देता है। बाकी अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मैं क्लियरली अभी के लिए तो ड्रॉप करके चलूंगा। आशु मलिक आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसाइडर आपके लिए आज साबित हो सकता है, ग्रैंड लीग की एक दो टीम में कैप्टनसी रखिएगा, क्योंकि भाई कभी कभी क्या कर रहा है ये, किसी किसी मैच में छः छः सात सात टच पॉइंट भी ले रहा है, क्योंकि सुपर रेड मल्टी पॉइंट रेड कर रहा है, डू और डाई में ज़्यादा आ रहा है, जहाँ पर पॉइंट या तो इसको मिलेगा या ये आउट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और कभी कभी क्या होता है कि डू और डाई हड़बड़ाहट में डिफेंस गलती कर देता है और एक की बजाय भाई मल्टीपल पॉइंट दे देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आशु मलिक आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे, ठीक है। वहीं अगर बात करें विशाल लाठर, स्टार्टिंग में ज्यादा अच्छा खेले थे, अभी थोड़ा सा इन्होंने मतलब रिस्क लेना कम किया और उसी वजह से पॉइंट्स भी थोड़े कम हुए। अब इनकी तरफ से रिस्क ले रहे भाई रवि कुमार, जो कि लेफ्ट कवर खेलेंगे, और इनका भाई आज आपके लिए चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर दिल्ली को जीतना है तो रवि कुमार को चलना पड़ेगा, और भाई ये अच्छे परफॉर्मेंस लगातार दे भी रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। किशन डुल की बात करें, राइट कॉर्नर आज के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेगा। वीसी अगर आपको बहुत बड़ा डिफरेंशियल वीसी चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इन्हें टीम में ही रखिएगा, सीवीसी की ट्राई ना कीजिएगा। विजय कुमार की बात करें तो भाई लेफ्ट कॉर्नर खेलता नजर आएगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जीएल मिनी जीएल के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, स्मॉल लीग में आज इतना इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेगा, क्योंकि भाई आपको आगे बताने वाला हूँ प्लेयर्स बैटल में कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। नीचे बेंगलुरु बुल्स की स्टार्टिंग सेवन की बात करेंगे, विकास खंडोला लेफ्ट ट्रेडर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्मॉल लीग में आपको ट्राई करना है, ग्रैंड लीग में कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 2 सुपर 10 लगाए, बाकी 6-6, 7-7 पॉइंट लगातार मैच में निकाल कर लेके जा रहे हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। हाँ हालांकि इनसे टैकल वैकल की उम्मीद काफ़ी कम रखना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी हाँ रेडर बहुत अच्छा है, ट्राई कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो लास्ट सीजन से काफ़ी खराब फॉर्म में है, मतलब लास्ट सीजन अच्छा था उसको कंपेरिजन करते हुए इस सीजन काफ़ी खराब फॉर्म है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही चीज़ बोलूंगा कि एक मस्ट पिक प्लेयर रहेगा और प्रेशर को हैंडल करने वाला प्लेयर है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भरत की बात करेंगे, लेफ्ट राइट दोनों साइड से रेड करेगा, यही मैं प्लेयर आपको बता रहा था। अगर ये एक बड़ा डिफरेंस बनेगा यहाँ पर आज की बेंगलुरु की जीत या हार में, अगर ये चला तो बेंगलुरु की जीत, अगर इसे रोकने में कामयाब रहे तो यहाँ पर भाई बेंगलुरु की हार भी हो जाएगी, ठीक है। नीरज नरवाल अगेन भाई जीएल मिनी जीएल के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा रेड करने का मौका मिलता नहीं है तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और मैं अभी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप भाई इन्हें मतलब स्मॉल लीग में ना ट्राई करके जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। मयूर जगन्नाथ बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है, ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल सही पिक नहीं रहेगा। महेंद्र सिंह लगातार अच्छी फॉर्म में, ट्राई कर सकते हो, बट भाई वही बात है साथ ही प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो किस किस को ट्राई करोगे, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा जीएल मिनी जीएल में। वहीं अगर बात करें सौरभ नंदल राइट कॉर्नर खेलेगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जरूर से इसे अपनी टीम में रखिएगा। अमन की बात करें, अमन आपके लिए आज थोड़ा सा एवरेज पिक हो सकता है या फिर ट्रंप कार्ड पिक होगा, ठीक है। मैं हालांकि स्मॉल लीग में ड्रॉप करके जाने का रिस्क लूंगा, वो देखते हैं आगे कैसे क्या टीम बनेगी, अगर क्रेडिट क्रेडिट वगैरह मैनेज नहीं हुए तो इन्हें ट्राई करेंगे, अदरवाइज भाई इन्हें ड्रॉप करके जाने का रिस्क लूंगा, और क्यों लूंगा वो अभी आपको प्लेयर्स बैटल में समझाता हूं। तो चलिए भाई सीधा चलते प्लेयर्स बैटल की तरफ, पहले देख लेते हैं भाई यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स के रेडर। तो यहाँ पर देखिए विकास खंडोला लेफ्ट रेडर, भरत की बात करें लेफ्ट राइट दोनों साइड से रेड करेगा, बट फिर भी आप मान सकते हो कि टीम की जो 50% रेड है वो भरत करेगा, या फिर आप मान सकते हो 40% रेड भरत करेगा, 40% रेड यहाँ पर विकास करेगा, और 20% रेड आप यहाँ पर मान सकते हो नीरज नरवाल करेगा, ठीक है। तो भरत अगर अपनी 40% रेड में से 10% रेड भी लेफ्ट से जाता है तो 10% यहाँ से आ गई, 40% विकास खंडोला की होगी, और भाई 20% रेड हो जाएंगे यहाँ पर नीरज नरवाल की, तो 70% रेड यहाँ से लेफ्ट कॉर्नर से होंगे। तो मैंने क्यों बोला था ये आपके लिए ट्रंप कार्ड रहेंगे आज रवि कुमार और किशन डुल, क्योंकि राइट कॉर्नर पर कौन खेलेगा, किशन डुल, जो किशन डुल खेलेंगे तो आपके लिए आप बहुत बड़े ट्रंप कार्ड पिक रहेंगे। अगर ये फ्लॉप होते हैं तो भाई इनके जो ये रेडर है अच्छे खासे पॉइंट निकालेंगे, और अगर ये चल जाते हैं तो भाई फिर तो मजा ही आ जाएगा। वहीं अगर बात करें रवि कुमार को, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रवि कुमार भाई डायरेक्ट सपोर्ट करने आएंगे किसको, किशन डुल को, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वहीं अगर भाई यहां पर बात करें इनके रेडर, तो इनसे यहाँ से भाई नवीन कुमार राइट लेफ्ट दोनों साइड से रेड करना जानते हैं, बट भाई मोस्टली रेड इनकी होती है जो राइट साइड से होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये जाएंगे किसके पास, ये जाएंगे भाई सीधे सीधे अमन के पास। इनके अलावा भाई यहाँ पर आशु मलिक भी राइट रेडर है, तो आप मान सकते हो कि टीम की जो 50 से 70% रेड या फिर 60% रेड आप यहाँ से मान सकते हो कि राइट से ही होनी है, तो राइट से रेड होंगी, तो 60% रेड को टैकल करने के लिए सबसे बड़ा चांस किसके पास रहेगा यहाँ पर, अमन और टीम के राइट कवर मयूर
जगन्नाथ के साथ। मयूर जगन्नाथ की फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, बहुत खराब है, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा ग्रैंड लीग में जरूर से ट्राई कीजिएगा। या फिर भाई आप यहाँ पर अमन को ट्राई कर सकते हो, अमन ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है, बट भाई नवीन है सामने, नवीन एक्सप्रेस आएगी तो उसको कितने हद तक काबू में कर पाएंगे ये देखना बहुत बड़ी बात होगी। और सौरभ नांदल यहाँ पर आज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो सामने वाली टीम का रेडर है ना, लेफ्ट रेडर, ये भाई बहुत गंदी फॉर्म में चल रहा है अभी रिसेंट के दो तीन मैचेस में, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा डाउन है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हो आप सौरभ नांदल को आज अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। तो अब मैं आपको टीम बना के दिखा देता हूं, जो भी फाइनल टीम रहेगी वो मैं टेलीग्राम पर डिस्कस करूंगा, टेलीग्राम चैनल आप जाकर देख लीजिएगा। इस सीजन में अभी तक भाई 44 मैच हुए, 44 मैच में दो मैच में आपको रैंक एक दिलाई है, बाकी मैचेस में टॉप 10 में हमारी टीम रहती ही रहती है, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो रिजल्ट, एक एक रिजल्ट मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर रखा है। अभी अगर बात करें आज के मैचेस की, तो आज जो क्रिकेट का मैच हुआ था वुमेन्स बिग बैश का, सिंगल हैंडेड यहाँ पर विनिंग हुई थी, आप यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे कॉन्टेस्ट यहाँ पर भाई हमने विन किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल हैंडेड लगातार आपका भाई विनिंग करवा रहा है। यहाँ पर आप देखते जाओ, आप मतलब देखते देखते थक जाओगे, बट कॉन्टेस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैच रहेगा, ठीक है। तो और फाइनल टीम जो भी रहेगी ना वो टेलीग्राम पर ही आएगी, ठीक है। तो अब चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पर टीम के बारे में। तो ऐसे सौरभ नांदल को रखेंगे अपनी टीम में, कृष्ण ढुल को अपनी टीम में रखेंगे, इसके अलावा भाई यहाँ से रवि कुमार को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ, और बाकी हाँ अगर आप चाहो तो विशाल को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, बट मैं यहाँ से रवि कुमार को अपनी टीम में रख रहा हूँ। आशु मलिक यहाँ से मस्ट पिक हो जाएगा, नीरज नरवाल को मैं अभी के लिए ड्रॉप करके चलूंगा, यहाँ से नवीन कुमार, विकास खंडोला को रखूंगा और भरत को रखूंगा। हाँ अगर आप चाहो तो विकास खंडोला की जगह पर नीरज नरवाल को ट्राई कर सकते हो, या फिर यहाँ से मंजीत को ट्राई कर सकते हो, या फिर एक एक्स्ट्रा डिफेंडर महेंद्र सिंह को आप ट्राई कर सकते हो। महेंद्र सिंह बहुत अच्छी फॉर्म में लास्ट के दो मैचेज में, दो या तीन मैचेज में दिखे हैं, इसके अलावा भाई बीच में फॉर्म काफी ज्यादा डिप हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हो, बट फिर से भाई महेंद्र अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। या फिर भाई अगर आप चाहो ना तो आप यहाँ से भाई विशाल को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, बीच में इनकी फॉर्म थोड़ी सी गड़बड़ाई थी, लेकिन रवि कुमार भाई, रवि कुमार अब लगातार अच्छा करने लग गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए लगातार अच्छा कर रहा है, और भाई आज मतलब जो मैच है उसमें इसके टैकल लेने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस है, अगर टेक्निकली देखोगे तो विशाल लाठर से, बाकी हो कुछ भी सकता है। फाइनल टीम जो भी रहेगी वो हम टेलीग्राम पर डिस्कस कर लेंगे। सीवीसी की बात कर लेते हैं डायरेक्ट भाई यहाँ पर, तो सीवीसी हमारा जो भी रहेगा वो देख लेते हैं। कैप्टनसी की बात करें तो नवीन कुमार रहेगा, भरत को मैं वीसी रखूंगा, और भाई यहाँ से अभी के लिए मैं महेंद्र की जगह पर सिंपली विकास खंडोला के साथ जा रहा हूँ। और यहाँ से अगर बात करें तो भाई सीवीसी आपने देख ही लिया, टीम मैं अभी आपको सेव करके दिखा देता हूँ। जो भी मेरी फुल एंड फाइनल टीम होगी वो मैं टेलीग्राम पर डिस्कस करूँगा। मेरे को लग रहा है विकास खंडोला एक रिस्की पिक रहेंगे, तो इनकी जगह पर मैं किसी और को ट्राई कर सकता हूं। बाकी जो भी फाइनल टीम रहेगी वो मैं टेलीग्राम पर डिस्कस कर दूंगा। अदर सीवीसी की बात करें तो कृष्ण डुल आज बहुत अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। ग्रैंड लीग में भाई अमन को आप सीवीसी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, वो बहुत ही शानदार प्लेयर आज के मैच में आपके लिए रह सकता है। या फिर भाई विशाल लाठर को आप सीवीसी ट्राई कर सकते हो, आशु मलिक को आप ट्राई कर सकते हो, विकास खंडोला को ट्राई कर सकते हो, ये जीएल के लिए मैंने बताया। स्मॉल लीग की टीम आपकी स्क्रीन पर है, सेव करके रख लीजिएगा, जो भी फाइनल टीम होगी वो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।